कश्मीरी लहसुन के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज को खरीदने के लिए प्रसून एग्रो पार्ट गार्लिक सीड कंपनी रामबाग अखाड़ा बाजार कुल्लू में संपर्क करें। आप हमें 9816 2। Yeah.
जी नमस्कार जी, मेरा नाम ठाकुर दास है। मैं ज्येष्ठ पार्ली का BDC मेंबर हूं और हमारे देवता श्री छठ न्यारगुरु जी का ये मूल पर्व है बी भाद्रो। आज के दिन बी भाद्रो के दिन यहाँ हमारे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आते हैं। इनके साथ हमारा सारा देवते का हार जो है और सारा गांव सारे बहुत हजारों के तादाद में आदमी आ जाते हैं, यहाँ भगत आते हैं देवते के पास। और हमारे यहाँ देवते का छठ न्यारगुरु बोल के भगवान शंकर का रूप है जी, भगवान शंकर का रूप और इनको छठ न्यारगुरु नाम से माना जाता है। यहाँ आज तीर्थ स्नान करने से कई चर्म रोग खत्म होते हैं, कई बीमारियाँ खत्म होते हैं, कई किसी को कोई टाणा जादू किया होता, कोई कुछ किया होता, सब कुछ आज के दिन यहाँ खत्म हो जाता है जी। तो और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं तो सबकी मनोकामना भगवान छठ न्यारगुरु लक्ष्मी नारायण जी पूरी करते हैं। और हम सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं, विभाग यहाँ कोई नज़रअंदाज कर रहे हैं इतने सालों से, यहाँ कोई पुल नहीं है, कोई आने जाने के कोई व्यवस्था नहीं है, इतने हजारों लोग आते हैं यहाँ, किसी को कोई उन्हीं की हो जाती है तो कोई यहाँ जिम्मेवार नहीं है। विभाग को कोई पता नहीं इस चीज़ का कि कहाँ क्या है। इधर एक गाँव रहता है, जुड़ी गाँव रहता है, इधर यहाँ के लोग आना जाना लोगों का है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। धन्यवाद जी। मैं किशन जी की पूर्व प्रधान ग्राम पंचेष्टा, जो आज 20 भादों का कार्यक्रम यहाँ होता है, ये कई साल पहले से हो रहा है क्योंकि इसको छठ न्यारगुरु नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं और अपनी जो इच्छा रखते हैं वो हमारे देवता पूरी कर देते हैं। और यहाँ पर जो झरना है उसको कई लोग यहाँ से अपने बोतल में भरकर ले घर ले जाते हैं और उसी और औषधि के रूप में माना जाता है। और इसको हमारे देवता नारायण लक्ष्मण ज्येष्ठा ये भी यहाँ पर आते हैं, इनके आशीर्वाद से यहाँ पर सब जनता को कई इच्छाएं जो होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। और ये त्यौहार अब का नहीं है, ये कम से कम मेरे समझ में कम से कम 50-60 साल से, हम जब जितने साल कम हुए हमने पहले से ही देखा इस प्यार को 20 भाद्रो को। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, अब जनता यहाँ पर काफ़ी पहल चल लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और बड़े दूर दूर से आते हैं। क्योंकि पहले जनता कम होती थी लेकिन अब कुछ सुविधा की, सरकार की सुविधा के उपलक्ष्य में यहाँ पर आने जाने की व्यवस्था हो चुकी है। इस कारण से यहाँ पर जनता बहुत आती जाती रहती है। और जो यहाँ का जो कार्यक्रम होता वो मुख्य रूप से यहाँ के कारदार जी डीनेराम जी और हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष, बौद्ध देवता कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र भंडारी जी, उपाध्यक्ष तीज नेगी जी और हमारे साथ साथ में बैठे हुए हमारे पुरोहित शर्मा जी, हमारे घनश्याम शर्मा जी, ये भी हर साल यहाँ पर देवता के स्थान पर उपस्थित रहते हैं। और यहाँ पर जो पीछे हमारी जोगनी माता है वो कम से कम 2 किलोमीटर दूर है और उनके आशीर्वाद से यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारी कमियाँ हैं,
लेकिन हम सरकार से निवेदन करते हैं कि यहाँ के जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हमारी जो मांग है, सबसे मुख्य मांग हमारी एक पुल है। यहाँ के यहाँ पुल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से, हमने पूरी गांव वाले की तरफ से एक दिन में यहाँ का पुल तैयार कर दिया। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ और हमें प्रशासन का भी धन्यवाद करूँ जो कि यहाँ पर पूरी से ऊपर बटी है रोड में, वो भी बहुत जो भी वाहन आ रहे हैं उनके आने जाने में कोई प्रसार की परेशानी नहीं है। मैं आपकी आपको यहाँ की जनता की तरफ से और लक्ष्मण तरफ का मैं दिल के गहरे से धन्यवाद करता हूँ।